हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे कंपनी लॉ न्यू सिलेबस दिसंबर 23 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आंसर कीज मैं आपको रेफरेंस के रूप में आईसीएसई स्टडी मैट से ही बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अपने रेफरेंस कंप्लीट कर पाओगे। सो हियर इज अ पेपर एवरीबॉडी। पहला केस स्टडी है, मिक्स रिएक्शन वाला पेपर था। बहुत लोगों को पेपर लंबा लगा, 16 पेज का पेपर दिया हुआ है। केस स्टडी बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतने भी कठिन नहीं थे। मोस्ट प्रोबेबल जैसे जनरल मीटिंग से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो प्रॉक्सी से क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज अ वेरी प्रॉक्सी, आप कह लो प्रॉक्सी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉक्सी इन द जनरल मीटिंग, कोरम से है, आप समझो नोटिस से क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बताऊं बच्चों, एडिशनल डायरेक्टर का एक स्मॉल एक दो, हाँ बच्चों का कहना कि रेजोल्यूशन पूछ लिए। अब सिंपल भी पूछा है, रेजोल्यूशन पूछा है, या आपको ईजीएम का नोटिस पूछी है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ साइंटिफिक चीज तो है नहीं, सीधा सीधा आपको लॉ ही एक्सप्लेन करना है। आइए एक बार देख लेते हैं कैसा पेपर, इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, माय रेफरेंस विल बी फ्रॉम आईसीएसई स्टडी मैट, सो दैट एवरीवन कैन इजीली एक्सेस दैट। चलो लेट्स स्टार्ट। अमित सुनील एंड वैशाली ने एक क्लोज फ्रेंड होते हैं, फैमिली ओनर लोग हैं, ग्रेजुएट्स आईआईएम से हैं। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा की है, तो इन्होंने कंपनी रजिस्टर किया ई कॉमर्स में। कंपनी नाम रखा डायनामिक ई कॉमर्स लिमिटेड, और उन्होंने फिर उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में मेन ऑब्जेक्ट डाला, कैरिंग ई कॉमर्स बिजनेस। बट रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी को पुणे में किया गया। ध्यान रखना यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, स्टेट महाराष्ट्र लगा हुआ है, लेकिन ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आर ऑफिस शिफ्ट करने वाली बात की गई। देखो मैं डायरेक्टली आपको नीचे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, रेफरिंग टू द कंपनीज एक्ट एडवाइज द कंपनी ऑफ द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम पुणे टू मुंबई। देखो बचो, यहाँ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आरओसी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आरडी अप्रूवल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आरडी अप्रूवल है। बाकी देखो आईएनसी आपका 23 से 22, फिर आपका MGT 14, क्योंकि हम लोग क्या पास करेंगे, एसआर पास करेंगे, बीआरएड बीएम प्लस एसआर। तो पूरा प्रोसीजर एक बार आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 बी का। देखो रूल 28 अपने को फॉलो करना। देखो INC 20 यहाँ पे भी आपको देख रहा होगा, देखो INC 23 फॉर्म नंबर है, उसके एसआर पास किया गया है। केएमपी वगैरह का डिक्लेरेशन चाहिए कि चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है आरडी का। यहाँ देखो रीजनल डायरेक्टर आरडी शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन, करेक्ट? INC 28 में आरडी का अप्रूवल जाता है, आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अप्रूवल INC 28 में फाइल करते हैं, और उसको कॉपी फाइल करके हम ये चेंज इफेक्टिव कर सकते हैं, राइट? आ जाइए उसके बाद इसी में दोबारा आ गया, पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पे देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है, इतना ब्रेकअप उसका दिया हुआ। नीचे क्वेश्चन देखो, कंपनी ऑफर करती है प्रेफरेंस शेयर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10% रेट के अनुसार। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इंस्टीट्यूशन मना कर देते हैं ये सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आपका एमओ है ना वो एम्बिग्यूअस है इस मामले को लेकर के, उसमें ऑथोराइज नहीं है कंपनी को ये काम करने के लिए। तो आपको याद होगा हमने अल्ट्रावायरस वाला प्रोविजन पढ़ा हुआ है, एमओए के क्लॉज में अगर आप कोई बदलाव करते हैं विदाउट द प्रोविजन दैट इज अल्ट्रावायरस, तो वाली प्रोविजन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अपने को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो, देखो वेदर द कंटेंशन ऑफ द एफआईज फॉर सब्सक्राइबिंग इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज वैलिड और इनवैलिड। तो ये देखो यहाँ पे आंसर पहले का कि एमओए के, यहाँ पे एमओए के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दो। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर अगर कोई बदलाव करना हो आपको, कंपनी प्रपोज करे, तो दैट शुड बी विद इन द ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज वो अल्ट्रावायर्स होगा, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट का काम करोगे अल्ट्रावायर्स। हमने एक एसवरी रेलवे कैरेज कंपनी का केस भी यूनिवर्सल है, प्लस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में केस है, साउथ डर्बन ब्रेवरी कंपनी का भी केस है, जहां पे देखो लिखा हुआ है अंडर दिस क्लॉज द शेयर्स इज इशूड by it, but the AOA of the company can give powers to the issue of such shares clauses as described. देखो सिंपल है, MOA में गड़बड़ हो तो अल्ट्रा वायरस, लेकिन आर्टिकल्स में गड़बड़ हो तो फिर भी उसको करेक्ट किया जा सकता है, तो
यहाँ पे अगर एओ में एमओ में अथॉरिटी नहीं है एम्बिग्यूस, सो देन ऑब्वियसली इनका कंटेंशन वैलिड है, कंपनी शुड फर्स्ट ऑल्टर द एमओ एंड देन अकॉर्डिंगली टेक दिस कॉल। फिर इसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन डिविडेंड पे आता है, यहाँ पे डेटा वाटा दिया हुआ, देखो कंपनी के बैलेंस शीट का डेटा वगैरह दिया हुआ, बट अपने को सीधा क्वेश्चन पूछा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड कैन द इंटरिम डिविडेंड बी पेड बाय द कंपनी आउट ऑफ द फ्रीज ऑफ द कंपनी इन द इवेंट कंपनी हैज अ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यहाँ साफ साफ आप जाओ, आपको एक्सप्लेन कर देना है पहली बात क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट हम देख लेते हैं जी, तो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अलाउ करता है कंपनी को टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमंग द शेयर होल्डर्स, क्लियर प्रॉफिट टू देम, राइट। इसके बाद अब बात होती है कि सर प्रॉफिट अगर इनएडिक्वेसी प्रॉफिट में है या लॉस है तो क्या कर सकते हैं, तो रूल 3 इस्तेमाल करो, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व रूल। तो वहां पे चार कंडीशन थे आपको याद होगा रूल 3 के, कि रेट 10% ज्यादा नहीं होगा पिछले 3 साल का डिक्लेयर रेट का, अगर डिक्लेयर नहीं हो तो क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा। अमाउंट जो ड्रॉ करोगे आप रिजर्व से वो होगा पीयूएससी प्लस एफआर का 10%, और पहले उस पैसे को सेट ऑफ ऑफ करंट ईयर लॉसेस एडजस्टमेंट में इस्तेमाल करो, फिर आपको जो बैलेंस है एफआर का वो 15% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में पीयूएससी का। ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए आप ऑटोमेटिक आप ये काम कर पाएंगे, यस और नो, सीधे फॉर्मूले लगाओगे तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों की रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है जो रिकॉग्नाइज, अच्छा आप चाहो तो 366 पेज पे ये डिविडेंड वाला आंसर चेक कर सकते हो, पेज नंबर 366 मैं आपको रेफर करता हूँ, यू कैन गो टू स्टडी मैट एंड चेक दिस वन आउट, आईसीएसआई के स्टडी मैट पे ये प्रोविजन दिए हुए। देन गोज द रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आई विल इंश्योर दैट कि आपको ऑप्शन वाले पोर्शन भी हम बता दें। तो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन जो है एक वाटर प्योरीफायर लिमिटेड का वो एप्लीकेशन करना चाहता है एनसीएलटी के पास, इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं वो लोग कंपनी के मैटर पे ग्राउंड पे, इस आधार पे कंपनी में डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द वर्कमैन सिंस अ लॉन्ग टाइम एज वेल एज देयर इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी काम कर रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो बच्चों इस केस के लिए आपको जाना होगा इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे, पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, वहां पे मेंबर्स कर सकते हैं एप्लीकेशन, अगर याद होगा लिमिट 1/10 वाले 100 मेंबर्स वाली बात, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, कोई भी अदर पर्सन भी कर सकता है। अब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, अगर एप्लीकेशन करता है एनसीएल लगता है कि यस इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन और मेक इन रेफरेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये आप इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में जाके इजिली पढ़ पाओगे। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल है बच्चों, ये क्वेश्चन है एबी लिमिटेड जो है अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, यहाँ पे साफ साफ है बच्चों आपको मटेरियल सब्सिडरी का मतलब पता होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट में LODR में डिफाइंड है, यहाँ पूछा भी, देखो यहाँ पूछा है कि एज पर रिक्वायर बाई द आंसर, देखो यहाँ लिखा भी है LODR के तहत बताओ, तो LODR में 10% जो होता है ना, अगर 10% आप कंसोलिडेटेड वैल्यू का होल्डिंग प्लस सब्सिडी का मिला के, क्योंकि आपकी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है, देखिए ये जो कंपनी है इनकी जिसकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, वो एक लिस्टेड की सब्सिडरी लिस्टेड एंटिटी की, तो इसका दोनों को मिला के कंसोलिडेटेड वैल्यू का अगर 10% भी ये अनलिस्टेड सब्सिडरी की वैल्यू होती है तो वो उस पर भी सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है क्या क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा आपसे और वो प्राइवेट हो या पब्लिक उसे मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनको सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं। तो बच्चों आप जब पेज नंबर 1 आप जाओगे क्या बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कौन से वाले चैप्टर में, तो याद होगा आपको चैप्टर है एनुअल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग बोल के चैप्टर जो है, रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कंप्लायंस रिपोर्ट, जहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट अदर कंप्लायंस रिपोर्ट का हिस्सा होता है, ये फाइलिंग करनी पड़ती है AGM से 60 डेज के अंदर हमें ये रिपोर्ट करना पड़ता है एवरी ईयर, ठीक है। एनुअल ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होता है, PCS रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, आप ये फाइल करते हो और ये इस मटेरियल सब्सिडी को भी लगेगा, तो यहाँ मटेरियल सब्सिडी का मीनिंग भी आप बता पाओगे उसी में नीचे लिखा हुआ है।
नेक्स्ट आई गो टू क्वेश्चन नंबर सी, टू सी। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये है कि जी क्वेश्चन ये है कि भैया एज लिमिटेड जो है वो बोरो कर रही है आपकी 50 करोड़ फ्रॉम स्केड्यूल बैंक, इन्होंने पैसा भी पे कर दिया है। चार्जेस का क्वेश्चन है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। आपको याद होगा हम CAG 4 और CAG 5 की बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि भाई फाइलिंग वगैरह में क्या लाइबिलिटी हुई, तो आपको बहुत सिंपल है, आप चाहो तो डिटेल के लिए पेज नंबर 337 में जाके मैथ में से आंसर देख सकते हो। टेबल ही दिया हुआ है कि भाई नॉर्मल अगर विद इन 30 डेज करते तो नॉर्मल फीस 0 to 30 days, फिर 30 से 270 में जाओगे तो आपको नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस लग जाएगा, फिर जाओगे आप उसके ऊपर 300 डेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लस एडिशनल प्लस जो कॉन्डोनेशन वाली फीस है वो लग जाएगी। रेफर करने के लिए 337 में जाके आप देख सकते हैं, ये टेबल और टाइम बता देना था विच फीस है, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। या सैटिस्फैक्शन चार्जेस के बाद भी कॉन्डोनेशन डिले का प्रोसेस अलाउड है अंडर द कंपनीज एक्ट। फिर एक और कंपनी है बच्चों, दैट्स मिठी सुगर लिमिटेड। इसके बोर्ड में 4 डायरेक्टर्स ABCD, एडिशन के अलावा इसके में आर जो है वो MD है इसके, कंपनी सेक्रेटरी भी फुल टाइम अपॉइंट किया गया मिस्टर अनुपम। और अब बात की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, क्वेश्चन ये है कि बताइए कि ये जो ऑथेंटिकेशन यानी हु साइंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बच्चों बहुत सिंपल है ये, अपने अकाउंट्स वाले चैप्टर आपको दिख जाएगा सेक्शन 134 में लिखा भी है कि नॉर्मली चेयरमैन जो होता है वो साइन करता है या एज ऑथोराइज बाय द बोर्ड 2 डायरेक्टर साइन करते हैं जिनमें से एक MD होना चाहिए अगर MD है तो, प्लस CS CFO वगैरह जो होते हैं वो साइन करेंगे अगर CS अपॉइंटेड है तो, ये साफ साफ लिखा हुआ है। प्लस अगर OPC आपकी कंपनी है तो और एक ही डायरेक्टर है, इन दैट केस बच्चों ओनली 1 डायरेक्टर साइन करेगा तो भी ये कंप्लायंस सेम ही माना जाएगा, ठीक है। डिटेल आंसर्स के लिए, कंप्लीट आंसर के लिए आप 428 पेज में जाके चेक कर सकते हैं अकाउंट्स वाले चैप्टर में। सीधा क्वेश्चन है, केस स्टडी पे मत जाओ यार, इतना बड़ा क्वेश्चन मत पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सीधा हु साइंस द फाइनेंस स्टेटमेंट, आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का है, द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, द पीरियड ऑफ 10 इयर्स इज ओवर फ्रॉम टेकिंग ओवर द एक्स लिमिटेड। तो उसके बाद ये केस है कॉम्प्रोमाइज है ना, ट्रांसफर कंपनी का केस है ये, और यहाँ पे रिकॉर्ड जो है बुक्स एंड पेपर रिकॉर्ड रखने की बात चल रही है, 10 साल हो गए इस प्रोसेस को किए गए। तो इनके बोर्ड ने बोला कि अब 8 साल के बाद हम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो क्या ये अलाउड है? तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ 239 आ जाता है, ये कहता है कि अगर आप डिस्ट्रॉय करना भी चाहते हो तो आपको पहले CG की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी, और उसके बाद CG एक ऑफिसर या पर्सन अपॉइंट करेगा जो जाके चेक करेगा कि भाई कोई कोई मिसकंडक्ट, कोई मैनिपुलेशन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से हर कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो वो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन देगा, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो इफ यू वांट टू रेफर इट आप रेफर कर सकते हो, यू कैन गो एंड रेफर 492 पेज में, 492 पेज में जाके आप इसे रेफर कर सकते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज संजय डायग्नोस्टिक बोल के एक केस स्टडी अगेन दिया हुआ है, बट आप फिर से बोल रहा हूँ मैं केस स्टडी मत देखो यार, यहाँ साफ साफ देखो नीचे लिखा भी है कि ये डोरमेंट कंपनी का केस है। आपको यहाँ दिखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने फाइल वाइल नहीं करे हैं पिछले 2 सालों से, और क्वेश्चन में वहां लिख भी दिया है कि भाई कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी एसआर नहीं पास कर रही है बट द कंपनी इज मेकिंग एन नोटिस, यहाँ पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डोरमेंट कंपनी, सीधा क्वेश्चन पूछा। फिर वेदर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइलिंग फीस विद ROC अमाउंट्स टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड वेदर द एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी इनटू द एब्सेंस ऑफ पासिंग SR इज वैलिड एंड स्टिल दे कैन गेट द स्टेटस,
ठीक है, तो अब बता दूं मैं आपको। देखो तो पहले केस में डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन है, तो डोरमेंट कंपनी आप जानते हो इनएक्टिव कंपनी है। डोरमेंट कंपनी एक ही होता है जो पिछले 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, उसने स्टेटस के लिए अप्लाई किया है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वो होते हैं, अगर आपने याद रखना है कि जैसे आपने फाइलिंग फीस भरी है सिर्फ, अगर आपने सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया है, स्टैट्यूटरी फीस दिया, अगर ये दे रहे हो आप और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो, देन इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो वो चीज यहाँ पे बतानी थी आप लोगों को। इसके अलावा इन्होंने एसआर पास किए बिना एक पब्लिक नोटिस दे के कोशिश किया कि भाई हम जहाँ पे भले वो 82% करीब अप्रूवल मिल रहे हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज द प्रोसेस क्लियरली स्पेसिफाइड होल्डिंग द जर्मिटी एंड पासिंग द एसआर। यहाँ पे एक कंटेंशन इनका गलत है, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। और जो फाइलिंग फीस है वो नहीं है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, हेंस बाकी दो में गलत है और डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन आप साफ साफ लिख पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर सी आ रहे हैं, 2C। यहाँ पे पूछा है कि आप एलिजिबल कंपनी हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, और आपने ये डिपॉजिट्स के डिटेल दी है, तो लेट्स फाइंड आउट वेदर दे आर कॉल्ड डिपॉजिट और नॉट। तो डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट 238 में पढ़ेंगे हम लोग, डिपॉजिट वाले चैप्टर्स में। तो वहां पे बच्चों क्या क्या है, देखो पहला है कि आप इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर के रूप में पैसा ले रहे हो, तो इसको हम एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट मानते हैं, दैट इज नॉट डिपॉजिट। इसके बाद कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हो जो डायरेक्टर था पैसा देते समय, और बाद में वो ये भी डिक्लेरेशन देता है कि ये पैसा उसने लोन वोन नहीं लिया है, तो उसका खुद का पैसा है, हेंस ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा एज पर कंपनी एक्ट। उसके बाद तीसरा है, आप एम्प्लॉय से ले रहे हो पैसा लेकिन उसके एनुअल सैलरी नॉट एक्चुअली एनुअल सैलरी, सो दैट इज अगेन नॉट अ डिपॉजिट। दैट इज नीचे एक और डिटेल है कि नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग मनी है ये। और लास्ट टू है टर्म डिपॉजिट जो कंपनी ले रही है 2 साल के लिए। अच्छा, एलिजिबल कंपनी मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकती है और पब्लिक से भी, और पब्लिक से मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए, तो दोनों केस में सही है। तो ये पांचों में से पहले तीन जो है वो डिपॉजिट नहीं होंगे और बाकी दो जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे, और आप डायरेक्टली इसका रेफरेंस ले सकते हो पेज नंबर 292 से, 292, और वहां पे आप इसको लाइन से करेक्ट कर सकते हो देख के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बच्चों ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। तो मिस्टर रंजन इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपनी मूड लिमिटेड। इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कंपनी पे, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। अब देखो इस बार ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो लाजमी है कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे टू मेक द पेपर ऑड। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये पहले फाइल वगैरह में ज्यादा पढ़ाई किया जाता था, तो बच्चों को लगता है कि चलो ये चैप्टर फाइल में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ से एक दो क्वेश्चन बैठा दिए हैं। क्वेश्चन सीधा ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कंपनी का और उसी बीच में इस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, तो अब क्वेश्चन पूछा कि क्या ये कंटेंशन वैलिड है कि उसको निकाल दिया गया है। तो आप जब इसको पढ़ते हो कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस समय अगर इसको निकाल दिया गया तो इज द कंटेंशन वैलिड, आंसर इज नो यू कांट। और 30 डेज अगर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेमेडी, रेमेडी दैट ही कैन अपील टू एनसीएलटी, एंड देन आप अगर मान लीजिए एनसीएलटी 30 डेज में उसके रिमूवल पर कोई ऑर्डर नहीं पास करता तो वो वैलिड हो जाए, मतलब 30 डेज तो वेट तो करना ही पड़ेगा कंपनी को, इवन इन्वेस्टिगेशन चालू के टाइम पे अगर निकाला तो, उसके पहले अगर उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया तो गलत होगा। दैट्स अ सेफगार्ड, यू कैन से हेडिंग भी है वहां पे, सेफगार्ड टू एम्प्लॉइज, सेफगार्ड टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल और SFIU एंड ऑल दैट। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज द रेमेडियबल, मैंने बता दिया। फिर एक और है अंकुश स्टील लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसमें 400 करोड़ का पब्लिक इशू लाया। पब्लिक इशू लाने के बाद इन्होंने नए प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ डाला, इस बीच में इनको लगा कि नहीं मार्केट में सही नहीं चल रहा है, सो दे डिसाइडेड टू यू नो चेंज द ऑब्जेक्ट, दे शिफ्ट टू न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे अगर हमें याद होगा कि ये करा जा सकता है कि नहीं करा सकता, देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज करें ना पब्लिक इशू के बाद, तो पहली बात तो इसको करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है आपको, दूसरी बात एग्जिट ऑप्शन भी देना पड़ता है उन शेयर होल्डर्स को दो डिसेंटिंग टू द स्कीम और टू दिस डिसीजन, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन ही एक तरीके का माना जाएगा, अलाउड है
बट एसआर वगैरह पास करना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, तो आप ये काम कर सकते हो। मेमोरेंडम वाले चैप्टर में साफ साफ दिया हुआ है ये। ओके चलिए, कंपनीज एक्ट के अनुसार कैन दे डू सो एनालाइज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट? तो पहली बात आप जानते हो बच्चों कि माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट, चाहे माइनर खुद भी करके दे, वो एब इनिशियो वॉइड होता है, ठीक है? तो यहां नहीं कर सकते मेंबरशिप के, सीधा से क्वेश्चन है माइनर्स अग्रीमेंट्स अवॉइड एब इनिशियो। इसके बाद माइनर बिकमिंग अ मेंबर बाय अलॉटमेंट ऑफ फुल्ली पेड शेयर एंड दैट इज थ्रू इज गार्डियन। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, एक तो फुल्ली पेड शेयर है, दूसरा आप ध्यान से देखो गार्डियन के थ्रू क्या गया, जो उसका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है लॉ के अंदर, तो ये इस कंटेंशन में वैलिड होगा। ही कैन बी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट्स ओनली एंड माइनर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स एंड द लाइबिलिटी ऑफ फ्यूचर कॉल्स अगेन नॉट अलाउड, क्योंकि वो सेम पहला वाला पॉइंट रेटिफिकेबल नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ डिविडेंड टू द कंपनी इवन बाय द माइनर ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी विल नॉट वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। रेटिफिकेशन नहीं होता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में। इसको ये पूरा समझो कि एक पूरा पैराग्राफ से सारे क्वेश्चन उठा के डाले गए, छोटे छोटे पोर्शन में पूछे गए हैं, तो मार्क्स पूरा मिलेगा, क्योंकि आप इन्हें समझो दो दो नंबर के भी एक एक नंबर करके पकड़ते हो, तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है, पेज 232 में जाके आप इसको रेफर कर पाओगे, फर्स्ट पैराग्राफ में सारा आंसर दिया हुआ है। देन गोज इन अ कंपनी लिमिटेड बाय मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर्स, बट शेयर होल्डर्स नीड नॉट टू मेंबर। 50 बार हमने क्लास में डिस्कस किया है कि शेयर होल्डर्स वर्सेस मेंबर्स का डिफरेंस याद रखिएगा। मेंबर इज अ बिगर टर्म विच इंक्लूड शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर जो होता है मियर राइट होल्डर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं, अब वो जरूरी नहीं कि मेंबर बने, बट मेंबर बनने के लिए पहले आपको शेयर होल्डर बनना पड़ता है, फिर आपका नाम आरओएम में लिखा जाता है। आरओएम इज MGT1। जैसे आपका नाम आरओएम में आता है यू बिकम द शेयर होल्डर्स। तो सारे राइट्स किसको मिलते हैं, ऑल द राइट्स अवेलेबल टू मेंबर्स, जबकि लिमिटेड राइट्स किसको होते हैं बच्चों, द लिमिटेड राइट्स आर देयर विद द शेयर होल्डर्स। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था यार, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन से। आगे ग्राउंड्स बताओ, कब कब SFIU को आप प्रेफर करा सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, NCLT को ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उन मामलों में कोर्ट्स रेफर कर सकती है मैटर टू SFIO। कोई एजेंसी जिसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था बट आफ्टर SFI बीइंग एस्टैब्लिश्ड द मैटर इज कैन बी रेफर टू दैट थ्रू इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे 547 पेज में वो हेडिंग्स दिए हुए हैं, कौन कौन से ग्राउंड, सीधा क्वेश्चन है कौन कौन से हेडिंग्स पे आप भेज सकते हो मैटर SFIO को। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर आता है, अमित सुनील एंड सुनीता आर द प्रपोज टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर दे डोंट हैव द डिन। ग्रेट, अब डिन उनके पास नहीं है और दे एज्यूम द ऑफिस एज अ डायरेक्टर इमीडिएटली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब बट प्रॉब्लम ये है कि अब उनका डीन तो है नहीं और बिना डीन के आप डायरेक्टर बन नहीं सकते, बट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। क्वेश्चन साफ साफ पूछा है कि क्या अलग से DIR 3 बिना फाइल किए, आप DIR 3 आप जानते हो इज अ फॉर्म फॉर डीन, बिना फाइल किए क्या आपको ऑटोमेटिक डीन मिल सकता है। तो एक ऑप्शन होता है आजकल इनकॉर्पोरेशन का स्पाइस, स्पाइस प्लस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं कंपनी का, जिसमें बाय डिफॉल्ट अगर प्राइवेट कंपनी है तो दो, OPC है तो एक, और पब्लिक है तो 3 DIN नंबर बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाए। अलग से आपको सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। पेज नंबर 629 में आप जाके पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा अबाउट डिन, स्पाइस प्लस बोल के जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि हाउ कम यू कैन हैव अ डिन विदाउट इवन अप्लाइंग सेपरेटली, दैट्स अलाउड। स्पाइस प्लस पूरा डिस्कस कर दो, मॉडर्न चीज, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, नया तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग पार्ट टू में आ गए हम लोग। अब देखा जाए तो ये पार्ट टू में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, बट क्योंकि डायरेक्टर वाला अभी देखा जाए तो MCA 21 का थोड़ा सा ग्लिम चैप्टर वन में दिया हुआ है, और ये लेकिन ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है डायरेक्टर वाले चैप्टर, तो चलो ठीक है बॉर्डर पे है तो आप उसको ऐसे ही मानो,
इतना देखो आपको लीवे देना पड़ेगा कि इंटर पार्ट ए का पार्ट बी में आता है। लोग आजकल दूसरे पेपर, तुम लोग एसयूबीसी के पेपर के बारे में सुन रहे होंगे, और सिलेबस में कंपनी लॉ का पोर्शन एसयूबीसी में, एसयूबीसी कंपनी लॉ में, दैट इज एक्सपेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं मैं। एबीसी लिमिटेड जो है वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 14th अक्टूबर 2020 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट प्लांट। द प्लांट वॉज कमीशन इन 21। कॉस्ट पड़ा 580 करोड़ का, गुजरात में है ये, और द कंपनी प्रमोटेड बाई चहल ग्रुप। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट द फॉलोइंग। ओवर द पीरियड ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज ग्रोन टू बिकम इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें टोटल। आइए मेन बात समझते हैं। टोटल जो है करंट पोजीशन जो इस कंपनी की है, इसमें टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें 5 इंडिपेंडेंट है, जिनमें एक वुमनिया भी है, वुमन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 3 होल टाइम डायरेक्टर, जिनमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और एग्जीक्यूटिव है, एक डायरेक्टर फाइनेंस है, और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 है, जिनमें एक चेयरमैन भी, एक वाइस चेयरमैन भी है। भी पूरी कहानी आपको दे दी। क्वेश्चन क्या है? बोर्ड ऑफ अप्रूव करता है, पूरा केस स्टडी है। बोर्ड अप्रूव करता है कि उसको फर्स्ट एजीएम बुलानी है। एजीएम का डेट याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। एजीएम का डेट है कितना भैया? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 2021 को 2:30 PM IST है, और इसके लिए रेजोल्यूशंस अप्रूव करे गए हैं, इंक्लूडिंग द एडॉप्शन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। एजीएम वगैरह में आप जानते हो अड्डाबाजी अपन करते हैं, और फॉर द ईयर 21 अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिकॉर्ड डेट फॉर द कट ऑफ एजीएम में दे दिया गया है। और रिकॉर्ड डेट आपको याद होगा, नॉर्मली इट्स द डेट ऑन विच द नेम्स आर फाइनलाइज्ड फॉर द पीपल हु आर एलिजिबल टू गेट नोटिस। देन नोटिस पर एजीएम कंटेन करता है, यहाँ नोटिस के पूरे प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, और प्रॉक्सी दे। आपको एक काम में आएगा बच्चों, टू यूज इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे पूछा ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ एजीएम। अब थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं ना, तो 90% फैक्ट्स यहाँ से उठा के एज इट इज आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे। बहुत ही कॉमन सेंस के अनुसार पेपर को सेट किया गया है। आप ये क्वेश्चन पढ़ने में परेशान मत होइए, क्योंकि इट हैड लिंक इन 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली। आइए, सो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स लेट्स आंसर द क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड नोटिस इशू करती है डिसंबर 1 तारीख को एजीएम, फर्स्ट एजीएम होल्ड करने के लिए, और 24 तारीख को उनको एजीएम करना है। अब बताइए वैलिडिटी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, आप जानते हो 21 क्लियर डेज का फंडा अपन अप्लाई करते हैं, तो जिसमें 1 तारीख छोड़ दो क्योंकि डे ऑफ नोटिस है, 24 को छोड़ दो क्योंकि वो डे ऑफ मीटिंग है, 2 दिन हम भारतीय पोस्ट के लिए छोड़ देते हैं, आप जानते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये 4 दिन निकाल देते हो तो बचता कितना है? Less than 21 days। Hence, यहाँ पे जो नोटिस दी गई है वो वैलिड नहीं है। इसको वैलिड करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम ईमेल से नोटिस भेज सकते हैं, एडवर्टीजमेंट से नोटिस कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी आपको लिख के देना, जिससे कि ये जो 1 दिन का शॉर्टेज हो रहा था वो कवर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर आप नोटिस देते हो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बताओ, कैलेंडर बना के कैलकुलेशन करके दिखाओ, 5 नंबर का है, मजे से स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द अबव इंटीग्रेटेड केस आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, आप बताइए उस एजीएम में जो पर्सन प्रेजेंट है, आप उस कोरम एजीएम का चेक करें। तो मिस्टर ए रिप्रेजेंट करते हैं गुजरात गवर्नमेंट का, गवर्नर है, गवर्नर को माना जाता है मेंबर, ए के काउंट कर लिया जाएगा उनके रिप्रेजेंटेटिव को। उसके बाद वह चलो बी और सी जो है प्रेफरेंशियल, इनको भी काउंट कर लो क्योंकि मेंबर है वो। डी रिप्रेजेंट करते हैं पीक्यू लिमिटेड एंड एक्स वाई जी लिमिटेड को, बॉडी कॉर्पोरेट को, जो भी रिप्रेजेंट करता है 2 काउंट करेंगे, यहाँ 2 काउंट हो जाएगा, 2 बॉडी कॉर्पोरेट है। लास्ट में देखो ई एफ और जी एच है, लेकिन ये सारे प्रॉक्सीज हैं, तो प्रॉक्सी को मेंबर में काउंट नहीं कर सकते, और खासकर कोरम के लिए। तो टोटल देख लो ध्यान से हो जा रहा है 5। बट ऊपर देखो आर्टिकल्स ने क्या लिखा था केस स्टडी में, आर्टिकल्स ने वहां फिक्स किया था मिनिमम कोरम शुड बी 7। तो यहाँ ध्यान रखने का प्रोविजन क्या होता था कि भाई 5 लोग हो सकते हैं कोरम, लिमिटेड कंपनी है, लेकिन एज पर कंपनी एक्ट आपको याद होगा हम कोरम निकालते थे ना टेबल के अनुसार 5, 15 और 30। तो 5, 15 और 30 के अनुसार यहाँ 5 अगर मानते, लेकिन क्योंकि आर्टिकल्स ने कितना बोल के रखा है मिनिमम 7, तो यहाँ पे 5 भले है लेकिन आर्टिकल्स ने 7 बोला है, तो आंसर राइट होगा 7, और इस केस में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग हो जाएगी जॉन साइंडाई। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाती है, ये और एक इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कोरम ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है, एंड देन राइट द टेबल ऑफ दैट, एंड देन इजीली कैलकुलेट दिस फैक्ट एंड कंक्लूड योर आंसर।
ऐसे एक शेयर होल्डर एबीसी लिमिटेड के इशू करते हैं टू प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी का भी क्वेश्चन हो गया, देखो सीधा सीधा, एक प्रॉक्सी इशू किया इन्होंने एक्स और वाई के नाम पे, दो प्रॉक्सी है, पहला एक्स का गया 22 तारीख को, टाइम देख लो 10 बजे का है, और दूसरा वाई का गया है भैया वो है 22 23 तारीख को, और टाइम देख लो 3 बजे। आप जानते हो प्रॉक्सी का प्रोविजन ऑफ 48 आवर्स के, विदिन 48 आवर्स आपको प्रॉक्सी डिपॉजिट करना है। आर्टिकल चाहे तो इसे लॉन्गर पीरियड दे सकता है, बट यहाँ आर्टिकल्स ने कुछ पीरियड नहीं दिया है। तो मीटिंग 24 तारीख को है, 24 तारीख को 2:30 बजे की मीटिंग है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला केस है वही वैलिड नोटिस वैलिड प्रॉक्सी के कैटेगरी में आता है, बाकी जो सेकेंड वाला केस है तो वायलेशन कर देता प्रोविजन को। तो पहला वाला वैलिड होगा, एक्स का प्रॉक्सी वैलिड होगा, दूसरा प्रॉक्सी वैलिड नहीं होगा। बट एक्सप्लेन द प्रॉक्सी का प्रोविजन, इंपॉर्टेंट है वो, उस पे ये कंक्लूजन पे ज्यादा मार्क्स नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरे लॉज एक्सप्लेन करो, ये फैक्ट्स उससे जाकर लिखो जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट्स इट। और डी देख लेते हैं, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अ मैटर वाज पास बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अब एसआर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखो 400 मेंबर है टोटल, बट ध्यान रखना अपना रामबाण फॉर्मूला प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलिए 200 मेंबर लोगों ने वोट किया तो 200 ले लेते हैं, 50 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया तो इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 250 अपना टोटल हो गया, 250 अपना टोटल हो गया। अब 250 और जिसमें से देखो ध्यान से कि 50 लोगों ने तो 50 के वोट इनवैलिड, 100 ने तो एब्सेंट ही कर दिया, तो यहाँ 250 में से 200 तो अपने 80% आ गया, विच इज 3/4, विच इज एसआरएस पास। तो इस केस में भले 250 लोगों ने वोट किया, 200 लोगों ने हाँ बोला, बट आउट ऑफ 250 बोला, हेंस द एसआर की मेजोरिटी है 3/4 से, ये रेजोल्यूशन पास हो गया। पूरा डेफिनेशन लिखो, व्हेन द वोट्स आर कास्ट इन फेवर 3 टाइम्स द वोट कास्ट अगेंस्ट द मैटर इज टर्म्ड एज एसआर, इस केस में एसआर है, ठीक है जी। चलिए तो चेयरमैन डिक्लेयर करता है एसआर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। तो पहला देखो यहाँ पे बोला है कि एक आपको अपने ऑडिट कमेटी का बनाते हैं, ऑडिट कमेटी बनाई गई, आप एक रेजोल्यूशन पास करो, तो रेजोल्यूशन देखिए सिंपल रिजॉल्व दैट करके लिखिए, और उसमें कंटेंट भी दे दिया। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ही पूछा है, बताइए ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कितने होते हैं, तो आप खुद बताओ जल्दी कि ऑडिट कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 3 हो सकते हैं, जिसमें से मिनिमम 2 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। चेयरमैन हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ऑडिट कमेटी का। कोरम बता दो ऑडिट कमेटी का, 3 होता है। कोरम ऑफ द ऑडिट कमेटी इज 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हाई, 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हाई, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और यानी मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट तो होंगे ही। दो फंक्शन बता दो ऑडिट कमेटी का, तो बच्चों अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लीजिए, रिव्यू कह लीजिए, ऑडिटर्स का रेमुनरेशन से अपॉइंटमेंट 188 बोल दो, 186 बोल दो, 181C बोल दो, ये सारे काम कौन करता है, ऑडिट कमिटी करता है। आ जाओ उसके बाद, एसएनएस लिमिटेड एक्सपेंड करती है बिजनेस को यूएई में, और उसके रिलेटेड उन्होंने क्या किया कि अब्रॉड में अपॉइंट किया विक्रम को एज एडिशनल डायरेक्टर, तो एडिशनल डायरेक्टर बोल के इनको अपॉइंट किया गया है, और उन्होंने अप्रूवल मांगा इसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से। तो यहां से बोला है कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करना है फिर से, बट यहाँ कुछ नहीं, आपको रेजोल्यूशन बीआरसी के प्रोविजन लिख देने हैं। आपको याद होगा अगर बीआरसी के प्रोविजन, तो अपन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई करना चाहिए, रेजोल्यूशन में सर्कुलेशन अगर 1/3 लोग अपोज करे तो आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको पेज देता हूँ 667, वहां पे एग्जैक्टली सेम ड्राफ्ट करके दिया हुआ है, आप रेफर कर लो। प्रिया गारमेंट लिमिटेड है जो कि एक कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद में, 115 के तहत कुछ पूछ रही है कि इन्होंने स्पेशल नोटिस दिया है। स्पेशल नोटिस के लिए बच्चों ध्यान रखना अपने को, ये जो स्पेशल नोटिस होती है ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रोविजन होता है यहाँ पे मिनिमम 1% वाली बात, यहाँ देखो 5% ऑलरेडी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या पूछा देखो, यू आर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी तो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट नोटिस, मैंने ऊपर बोला था ना सेम नोटिस के कंटेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, बस फर्क याद रखना यहाँ ईजीएम बुलाया हुआ है, तो वह गलती से एजीएम मत लिख देना, खाली यहाँ चेंज करना कि ये ईजीएम है। सैंपल के लिए आप 613 में जाओ तो एजीएम का नोटिस है, आप बदल देना यार, वहाँ ईजीएम बना देना, और ईजीएम के जो एक स्पेशल रेजोल्यूशन वाले मैटर ले लेना उसके साथ उसका ईएस लगा देना। ईएस इज नथिंग बट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ट इन द फॉर्म ऑफ एसआर इन अ वेरी
इजी लैंग्वेज विद ऑल द मटेरियल डिटेल्स. ये डिटेल्स यहाँ से उठा के आपको डाल देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जाओगे यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू सीएसआर पॉलिसी. तो इसके लिए भी सीएसआर पॉलिसी आप जानते हो कमिटी बनाएगा कि सीएसआर रिलेटेड, तो वो सीएसआर पॉलिसी बनाती है और वो ड्राफ्ट करती है. 801 पेज में भी आपको सीधा सीधा दिया हुआ क्वेश्चन दिख जाएगा. यहाँ पे भी आपको पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी डिस्कस करना है. अब आ जाओ एक केस लॉ दिया बच्चों. इसमें केस लॉ क्या पूछता है कि ओके हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के बारे में पूछा है कि भाई क्या इसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स बिना नोटिस के भी अपॉइंट, देखो लिस्टेड कंपनी या जिनके 1000 प्लस शेयर होल्डर एसएसडी होते हैं ना, एसएस मतलब जिनके पास 2000 20,000 रुपीज फेस वैल्यू तक की, नॉर्मल वैल्यू तक की शेयर होते हैं, तो वो नोटिस करके अपॉइंट करवा सकते हैं. एंड लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो भी उस काम को कर सकती है. टेन्योर इनका होता है 3 साल का और ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम 2 कंपनी में काम कर सकते हैं प्रोवाइडेड सामने वाली कंपनी आपस में कंपीट ना करती हो. एसएसडी जो है वो इंडिपेंडेंट बन सकता है अगर 149 के कंडीशन सैटिस्फाई करे तो. अब उसके बाद एक बच्चों एक डेटा वाला केस है. यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं आपके सामने और क्वेश्चन क्या पूछा, मैं इस पर डायरेक्टली आ जाता हूँ. डिस्कस अबाउट द बोरोइंग पावर्स. तो बच्चों 181C पूछा है. अब आपको याद उसमें क्या था लिमिट, पीयूएससी प्लस एफआर जो था लिमिट अपना, तो इसमें देखो लिखा भी है बच्चों यहाँ देखिए पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी. तो यहाँ पे आप टोटल कर लो इसको इसको और साथ में इसको, और ये जो टोटल आता है इसमें से आप माइनस कर दो ये सिक्योर्ड लोन को, आपका आंसर आ जाएगा राइट. उसके बाद हमने क्या पूछा है, डिसाइड अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेड इन चैरिटेबल फंड. और बोला है कि देखो अमाउंट अप टू विच द कंपनी कैन बोरो, तो ऊपर वाला तो हो गया, और विदाउट यहाँ ध्यान में विदाउट पासिंग है सर, तो लिमिट के अंदर है ना, लिमिट एक्सीड नहीं करना. यहाँ पे वापिस पूछा है कि चैरिटेबल कर सकते हो कितना विदाउट पासिंग द एसआर अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स. तो अप टू 5% ऑफ द पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का जो आता है उसका 5% निकालते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं BR@BM से कर सकते हैं, यानी विदाउट गोइंग फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल. तो यहाँ पे देखो 3 साल की प्रॉफिट दी, इसको जोड़ लो, जोड़ोगे तो कुछ 33 लाख के करीब आएगा, उसका भैया 5% निकालो, 1.65 के करीब आप कर सकते हो विदाउट पासिंग, विदाउट पासिंग योर एसआर. सो दिस इज ऑल अबाउट एवरीबॉडी द पेपर ऑफ कंपनी लॉ. सो मेरे हिसाब से यस, नंबर 1 टेकआउट लॉन्ग पेपर है, नंबर 2 टेकआउट केस स्टडीज पूछा है तो केस स्टडीज में आपका टाइम ज्यादा लग जाता है, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके हिसाब से जो एमसीक्यू जिसको आप बोलते हो, बट क्वेश्चंस को 1 नंबर 2 नंबर में काफी सारे पूछे गए, तो पार्ट मार्किंग इज द की फॉर दिस सक्सेस. ठीक है, अटेम्प्ट कोर्सेज करना पूरा करने का, केस स्टडी का इस्तेमाल करके रेजोल्यूशंस या नोटिस ड्राफ्ट करने में मदद करनी है अपने आप को. ठीक है, ऑल एंड ऑल न्यू सिलेबस अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा 50-50 मैं कहूंगा. सो गुड लक एवरीबॉडी फॉर द पेपर्स. थैंक यू सो मच.